आज दिल्ली बड़ो हाम्रो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हो बंगाल को बीपी सरलाई म स्वागत गर्छु पोखरेबुङमा अनि साथसाथै यहाँ हाम्रो प्रार्थी कांग्रेस सीपीएम र हाम्रो पार्टी को प्रार्थी डॉक्टर प्रोफेसर मुनिष तामाङलाई पनि स्वागत गर्छु। यो पाली बीजेपीले एउटा सानो आदर दिएको भा बाटो रहन्थ्यो अनि बीजेपीलाई भोट देऊ भन्दै 1921 जस्तो हामी हिँड्थ्यो। राहुल सर यो आशा सिकाएको भोलिको दिन यो गोर्खा जातिको सामने तपाईँ खडा भयो भने त्यति नै जान्छ, अरू के पनि जान्दैन भनेको हो। अनि उहाँले भन्यो म उभिदिन्छु, त्यति नै हो हामीलाई, त्यति नै हो ठुलो मान्छे गार्जियन सोच्ने। पहले तो मैं दार्जिलिङ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा मैं देख रहा हूँ कि 2004 रिपीट होता हुआ दिख रहा है, जैसे बाबा नरगुला जी जीते थे ऐसा ही माहौल इस बार उससे भी बेहतर माहौल मैं देख रहा हूँ। जो हमारे कांग्रेस हमरो पार्टी लेफ्ट फ्रंट का जो हमारा संयुक्त उम्मीदवार है डॉक्टर मुनिष तामाङ जी, तो मैं यहाँ के गोरखा भाई और बहनों को उनके सेंटिमेंट्स को समझता हूँ। जिस तरीके से अभी अजय एडवर्ड जी ने बताया, मनीष जी ने बताया, कांग्रेस हमेशा यहाँ के लोगों से अपने आप को जोड़ के रखती है। विनय तामाङ जी के बारे में कांग्रेस कैंडिडेट ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शंकर मालाकार ने, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट सरोज खत्री जी ने लिख के दिया है। वो जिस तरीके से एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उसकी जानकारी अधीर रंजन चौधरी जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, गुलाम अहमद मीर साहब हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उचित कार्रवाई उन पर की जाएगी। मैं उनसे आप सबके माध्यम से कहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा क्या है, एकता में विश्वास रखती है। हमारी ताकत क्या है, एकता। पूरा राम्रो रेस्पोन्स पायौँ। पोखरेबुङले पनि परिवर्तन पर्खिरहेको छ र 26 तारिक पोखरेबुङले पनि कांग्रेसको हातको निशानमा भोल लगाएर परिवर्तन यहाँ ल्याउनेछ। भाजपा र टिएमसीको राजनीतिसँग यहाँको गाडी थाकिसकेको छ। अहिले जो पहिलो फेजको इलेक्सन भयो 19 तारिक, त्यसमा पनि जो रिपोर्टहरू आउँदैछन् भाजपाको धरातल धेरै खस्किसकेको छ अनि भाजपा योपालि 200 पनि पार गर्दैन र योपालि मानिसले सारा भारतभरि नै मानिसहरू थाकिसकेको छ भाजपाको सरकारसँग, किन यसमा महँगाई छ, यसमा अत्याचार छ, यसमा साम्प्रदायिकता छ, यसमा डलरको रेट पनि बढ्दै जाँदैछ, बेरोजगारी बढ्दै जाँदैछ, कहीँ पनि कुनै पनि सेक्टरमा शान्ति छैन। किसानहरू अशान्त छन्, स्टुडेन्ट अशान्त छन्, युवा अशान्त छन्, महिलाहरू अशान्त छन्। यसैले गर्दा सम्पूर्ण देशले रिजेक्ट गर्नेछ कङ्ग्रेस युपिएको कङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार, इन्डिया एलायन्सको सरकार यहाँ आउनेछ भने हामी पुरा आश्वस्त छौँ।